और अब आगे बढ़ते हैं भारत चीन टकराव से जुड़ी हुई इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। तेहरान के रास्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंचे। एससीओ बैठक के दौरान 10 सितंबर को हो सकती है चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। भारत के जवाब से होश में आया चीन, सर्दियों से पहले तनाव खत्म करने की बात की। चीन के झूठ पर भारत का पलटवार, कहा पीएलए ने किया समझौते का उल्लंघन। एलएसी पर की गई कई राउंड फायरिंग, रेजांगला में 30 से 40 चीनी सैनिक अब भी मौजूद। चीन ने अरुणाचल प्रदेश से 5 ग्रामीणों को अगवा करने की बात मानी, भारत के पूछने पर छोड़ने पर राजी हुआ। किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कैबिनेट कमेटी की बैठक में हुई एलएसी के हालात की समीक्षा, पीएम मोदी को दी गई एक डिटेल। पीएम मोदी ने भारतीय सेना को दिया फ्री हैंड, एलएसी पर एक्शन के लिए खुली छूट दी, देश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने की छूट दे दी। चीन से तनाव पर भारत सरकार का बयान, हर हाल में भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। चीन के नए कांड पर सबसे बड़ा खुलासा, पीएलए का गलवान पार्ट 2 बनाने का प्लान था, लोहे की रॉड और कंटीले डंडे लेकर आए थे चीनी सैनिक। एलएसी पर भारतीय सेना के पराक्रम से जिनपिंग हैरान, जिनपिंग अपनी सेना की लगातार शिकस्त से नाराज, जिनपिंग अपनी सेना और एजेंसीज पर कसेंगे नकेल। भारत के लगातार कड़े रवैये के बाद लाइन पर आया चीन, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा सर्दियों से पहले दोनों देशों को पूरी तरह से डिसएंगेज करना चाहिए। भारत के जवाबी एक्शन से चीन में हड़कंप, चीन में हुई दिन भर मीटिंग्स, मीटिंग में रहे पीएलए के सभी टॉप कमांडर, भारत के खिलाफ नई स्ट्रेटजी पर मंथन। एलएसी पर हार से बौखलाए चीन की गीदड़ भपकी, इस बार 1962 से भी बड़ी जंग होगी। दक्षिण लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव, एलएसी के पास दोनों सेनाओं के अस्थायी टेंट, एलएसी पर लगातार बढ़ रहा है सैन्य जमावड़ा। फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनाती बढ़ाएगा भारत, लेह के आईटीबीपी कैंप पहुंचे और जवान। चीन का प्रोपोगैंडा वीडियो आया सामने, पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमान की ट्रेनिंग ड्रिल दिखाई। चीन में विदेशी पत्रकारों को किया जा रहा है परेशान, ताकि देश छोड़कर चले जाएं। चीन की सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के चलते रोज 20 लोग हो रहे किडनैप, सीसीपी पर गायब करने का शक। हांगकांग के विपक्ष के नेता के खिलाफ चीन में देशद्रोह का केस हुआ दर्ज, चीन के अधिकार में हांगकांग के आने पर किसी पर पहली बार देशद्रोह का केस फाइल हुआ। फिलीपींस सागर में अमेरिका का बड़ा युद्धाभ्यास, लाइव फायर ड्रिल से चीन को अमेरिका की चेतावनी। चीन ने कबूली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बात, अमेरिका से लोहा लेगा। भारत चीन सीमा विवाद पर रूस का बड़ा बयान, कहा सीमा विवाद में बिना बुलाए नहीं करेंगे मध्यस्थता। मोदी की विदेश नीति की बड़ी जीत, भारत के कहने पर रूस ने पाकिस्तान को हथियार देने से इनकार किया, रूस के डेप्यूटी एम्बेसडर का बयान। चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटा ताइवान, ताइवान ने चीन को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। कोरोना की वैक्सीन को लेकर चीन की पोल खुली, बच्ची पर ट्राई की गई वैक्सीन, बच्ची हुई दिव्या। लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल पर हालात बेहद तनावपूर्ण, भारत चीन ने दर्ज कराया विरोध, एक दूसरे पर विरोध दर्ज करवाया। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।